फिनलैंड से आई टैंकों के मूवमेंट की सबसे चिंताजनक खबर और तस्वीर शॉट्स के साथ। फिनलैंड ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर टैंकों को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। फिनलैंड के युद्ध की तैयारियों को लेकर यूरोप की चिंता बढ़ी। इसी महीने नेटो में अप्लाई करने जा रहा है फिनलैंड, यह चिंता बढ़ी है। मैं सीधे चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। सर, बहुत शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा। मुझे चिंता अब यूक्रेन की नहीं है, मुझे चिंता अब ताइवान की नहीं है, मुझे चिंता स्वीडन और फिनलैंड की है, बिकॉज दे आर एक्चुअली जस्ट वन स्टेप अवे और वो इनकी तरह कॉमेडियन नहीं है। देखो निशांत, ये बिल्कुल ठीक बात आप बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना समझा दूं कि ये इन फिनलैंड और स्वीडन को भी ये अमेरिका की जो चालबाजी है वही चालबाजी इनको भी मुझे लगता है बहुत भयंकर परिस्थिति में ला करके डाल देने वाली है। और ये इनका ये मकसद भी नाटो ज्वाइन करने का जो सर, लेकिन फिनलैंड ने वॉर प्रिपरेशन शुरू कर दी है, दिख रहा है इसको देखकर। बिल्कुल उनको करना पड़ेगा क्योंकि रशिया ने भी मूवमेंट वहां पर मोबिलाइजेशन दिखाया है फिनलैंड के ऑपोजिट, और फिनलैंड जो है वो भी रशिया के साथ कॉमन बाउंड्री शेयर करता है और किसी भी कीमत पे रशिया फिनलैंड को नाटो का हिस्सा बनने दे नहीं सकता। और जब क्या ये अगला फ्लैश पॉइंट लगता है आपको? 11 तारीख को वो अप्लाई करने वाले हैं सर। क्या ये आपको अगला फ्लैश पॉइंट लगता है? क्या आपको अगला फ्लैश पॉइंट लगता है? ये पॉसिबल ये चिंताजनक है सर, आप जो बता रहे हैं ये अगला फ्लैश पॉइंट हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।